ओके जी, दिस लेक्चर इज अबाउट बुलियन अलजबरा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। वी विल डिस्कस डिफरेंट लॉज एंड रूल्स ऑफ बुलियन अलजबरा। किस तरह ये रूल्स एंड लॉज ऑफ बुलियन अलजबरा लॉजिक गेट्स पे अप्लाई होंगे और हम इन लॉज या रूल्स को लॉजिक गेट पे अप्लाई करके किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा। सबसे पहली जो लॉ है कॉमुटेटिव लॉज। टू टाइप्स ऑफ लॉज, वन इज कॉमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड द सेकंड लॉ इज कॉमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम कॉमुटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करेंगे। If we have two variables that is a and b जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम शो कर रहे हैं, तो ये लॉ कहती है कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी रिजल्ट ऑफ a, आउटपुट ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू द आउटपुट ऑफ b प्लस ए। इसको इस लॉ को हम प्रूफ करने के लिए गेट पे अप्लाई करेंगे। तो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एडिशन यूज कर रहे हैं तो फॉर एडिशन वी यूज आर गेट। सो इन द गिवन फिगर वी हैव एन आर गेट रिप्रेजेंटेशन विद टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट विल बी ए प्लस बी। ए और बी आर गेट से पास हो रहे हैं एज ए इनपुट, तो आउटपुट पे हमें ए प्लस बी मिलना चाहिए। और दूसरी फिगर के राइट हैंड साइड पे हमें दोबारा से एक और गेट लिया हुआ है और जो इनपुट है उनको हमने चेंज कर दिया है, ए की जगह हमने बी और बी की जगह ए रिप्लेस कर दिया है। आउटपुट पे जो हमें बी और ए के इनपुट से मिलेगा वो बी प्लस ए मिलेगा। अब इसको ट्रुथ टेबल के जरिए हमने देखना है कि क्या वाकई ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो बी प्लस ए के इक्वलेंट है या नहीं। तो जो ट्रुथ टेबल आपको शो हो रही है, इस ट्रुथ टेबल में अगर हम पहले ए बी को लें और आउटपुट एक्स लें, तो ए और बी का जो आउटपुट होगा एक्स वो ए प्लस बी होगा। अगर हम देखें तो ए और बी अगर इनपुट जीरो जीरो हैं तो आउटपुट जीरो आएगा। अगर ए और बी में से कोई एक वन है या दोनों वन है तो आउटपुट वन आएगा। अगर हम ए और बी की जो पोजिशन है वो चेंज कर लें, If A is replaced with B and B is replaced with A, A B की जगह आ जाए, B A की जगह आ जाए, तो हम ये देखें कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो द आउटपुट विल रिमेन द सेम। अगर दोनों वैल्यू 0 0 हैं तो आउटपुट X जो है वो 0 आएगा, और अगर दोनों या दोनों में से कोई एक इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों ऐड हो रहे हों और इस प्रॉपर्टी को जो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है इसको हम आर गेट से चेक करना चाहें, तो जो ए प्लस बी का आंसर आएगा या ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा या ए और बी दोनों को हम आर गेट से पास करें इसका जो आंसर आएगा या आउटपुट आएगा वो इक्वल होगा बी प्लस ए के, या बी और ए को हम दोबारा से किसी और गेट से पास करें और उसका रिजल्ट या आउटपुट देखें। तो इस तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव लॉ विद द हेल्प ऑफ और गेट्स के ए प्लस बी इज इक्वल नेक्स्ट लॉ बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम ये कहें कि ए और बी दोनों को एंड गेट से पास करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा बी ए के, यानी अगर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट यूज़ करते हैं। इससे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए अगर ए बी अपनी जगह या पोजीशन चेंज कर लें, ए की जगह हम बी लिख लें, बी की जगह ए लिख लें, तो आउटपुट पे वही मिलना चाहिए जो ए और बी से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ ट्रुथ टेबल आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले पहला जो केस है हम ये लें ए और बी दो इनपुट लें, तो ए और बी अगर 0 0 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा।
ए और बी दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तब भी आउटपुट जीरो आएगा, और आउटपुट वन उस वक्त आएगा जब ए और बी दोनों वन वन होंगे। तो ये पहला केस है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम देख रहे हैं। तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड को हम देखें बी ए, तो ए और बी इन दोनों की हमने जगह रिप्लेस की, तो इसको हम कह देते हैं ये केस टू है या राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में बी और ए की जगह हमने रिप्लेस की, और दोबारा से हमने इसके जो रिजल्ट हैं वो देखें। तो रिजल्ट में हमें दोबारा से वही शो हो रहा है कि अगर ए बी दोनों जीरो जीरो हों या ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो हो तो रिजल्ट हमारा जीरो ही आएगा। आउटपुट या रिजल्ट वन उस वक्त आएगा जब दोनों इनपुट वन वन हो। तो सर हम ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस लॉ में हम थ्री वेरिएबल्स या थ्री इनपुट्स ले रहे हैं, ए बी एंड सी आर दी थ्री इनपुट्स। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बी और सी को एक ग्रुप में शो किया हुआ है और ए को अलग से शो किया हुआ है, और दो एडिशन के साइन यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो दो एडिशन के साइन यूज़ होने का मतलब ये है कि वी हैव टू यूज़ टू आर गेट्स बिकॉज देर आर टू सिंबल्स ऑफ एडिशन। तो दो एडिशन के साइन या सिंबल शो कर रहे हैं कि दो आर गेट यूज़ होंगे। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि बी और सी को एक आर गेट से पास करना है। तो एक आर गेट लिया जिसे हम वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे। इस आर गेट का जो इनपुट है वो बी सी है, आउटपुट आएगा बी प्लस सी। ये आउटपुट बी प्लस सी दूसरे गेट से एज अ इनपुट ये यूज़ होगा, और इस दूसरे गेट का दूसरा इनपुट होगा ए। तो ए विल बी द फर्स्ट इनपुट एंड बी प्लस सी विल बी द सेकेंड इनपुट ऑफ गेट टू। सो द फाइनल रिजल्ट या फाइनल आउटपुट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हम देखें कि ए प्लस बी को हमने इक्वेशन में या ब्रैकेट में शो किया हुआ है या कंबाइन किया हुआ है, और सी इंडिविजुअल इनपुट आ रहा है। तो अब इसको अगर हम गेट की फॉर्म में दिखें तो राइट हैंड साइड जो फिगर है उसमें वन, गेट नंबर वन जो है इसके इनपुट है ए बी, तो इसका आउटपुट होगा ए प्लस बी। जो ये आउटपुट ए प्लस बी आ रहा है, ये आउटपुट गेट नंबर टू का पहला इनपुट हो जाएगा और गेट नंबर टू का दूसरा इनपुट होगा सी। तो जो फाइनल रिजल्ट या फाइनल इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी ए प्लस बी प्लस सी। इससे जो भी रिजल्ट आएगा इसका मतलब ये होगा कि ए अगर इंडिविजुअल है और बी प्लस सी दोनों किसी और गेट से पास हो रहे हैं, तो इससे जो भी रिजल्ट या आउटपुट आना चाहिए दैट विल बी सेम टू द ए प्लस बी को अगर हम ब्रैकेट में लिखें या एंड गेट से और गेट से पास करें, और दूसरे गेट में सी इंडिविजुअल हो और ए प्लस बी जो पहले गेट से इन आउटपुट आ रहा है वो इनपुट हो फॉर द सेकेंड गेट। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू 0 है। हमने फाइनल आउटपुट चेक करना है, तो सबसे पहले बी और सी गेट नंबर 1 से पास हो रहे हैं। तो आर गेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों इनपुट 1 हो या कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आएगा। तो जो गेट नंबर 1 का आउटपुट होगा बी प्लस सी वो 1 होना चाहिए। अब यही 1 गेट नंबर 2 का एक पहला इनपुट होगा और ए की जो वैल्यू आ रही है 0, ये दूसरा इनपुट होगा। तो 0 और 1 दोबारा से आउटपुट पे हमें 1 देंगे। राइट हैंड साइड फिगर के राइट हैंड साइड पे आते हैं, दोबारा से ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू दोबारा से 0 है। अब ए बी गेट नंबर 1 से पास हो रहे हैं, तो 0 1 आर गेट से पास होके हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा। सी 0 आ रहा है, तो सी 0 है, ए प्लस बी से 1 आया, ये 0 1 दोबारा से आर गेट से पास होके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड बोथ इन दी एक्सप्रेशन एंड इन दी गेट रिप्रेजेंटेशन।
सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में हमने दो एंड गेट यूज़ करने हैं और वेरिएबल तीन हैं। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने दो दो वेरिएबल को कंबाइन रखना है और एक वेरिएबल को इंडिविजुअल रखना है। तो पहले हमने बी सी को एंड गेट से पास किया, यानी इसको कंबाइन किया, जो रिज़ल्ट आया उसे दूसरे एंड गेट से पास किया और उसका जो इंडिविजुअल इनपुट था ए और बी सी से जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे पास हो के आउटपुट पे हमें ए डॉट बी सी देगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू 0 है। अब बी सी जब पास हो रहे हैं इस एंड गेट से, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी ये है कि कोई एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 आएगा, तो गेट नंबर 1 का आउटपुट 0 है। ये 0 गेट नंबर 2 को मिल रहा है और दूसरा इनपुट जो ए है वो 1 है, तो 0 1 दोबारा से गेट 2 से पास होके आउटपुट पे हमें 0 ही मिल रहा है। अब फिगर की राइट हैंड साइड पे आ जाएं, दोबारा से हमने ए को वैल्यू दी 1, बी को वैल्यू दी 1 और सी को वैल्यू दी हमने 0। ए भी 1 1 है तो इससे जो रिज़ल्ट या आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। सी 0 आ रहा है तो ये सी 0 इस गेट नंबर 2 को मिलेगा, तो 1 0 जो इनपुट मिल रहे हैं गेट नंबर 2 को, इससे आउटपुट दोबारा से हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह हम कमुटेट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक गेट्स ये प्रूव कर रहे हैं। तो ए बी सी की जो भी वैल्यू होगी इन वैल्यूज़ के को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो रही है। जो थर्ड लॉ है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स, और उसमें हम ये बता सकते हैं कि कमुटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में या तो एडिशन लॉ होगी या मल्टीप्लीकेशन होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों लॉज यूज दोनों सिंबल या दोनों एक्सप्रेशन या दोनों फंक्शन यूज हो रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम ये कहें कि इफ़ ए इज़ मल्टीप्लाइड विद दी बी प्लस सी, सो द रिज़ल्ट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर बी और सी ऐड हो रहे हैं और इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में तो ए बी प्लस ए सी लिखा जाएगा, तो दोनों के जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। अब हमने इसको गेट पे इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमने बी प्लस सी यानी बी और सी को आर गेट से पास करना है और इससे जो भी आउटपुट आएगा वो एंड गेट को मिलना चाहिए और एंड गेट का जो दूसरा इनपुट है वो ए होगा। तो लेट्स सपोज अगर बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, तो बी सी आर गेट से पास होके 0 1 आर गेट से पास होके हमें 1 मिलेगा। ये 1 एंड गेट से पास होगा, ए की वैल्यू भी 1 है, बी प्लस सी की वैल्यू भी 1 थी, दोनों 1 1 जब गेट नंबर 2 से पास होंगे जो कि एंड गेट है, तो आउटपुट एक्स जो है वो 1 मिलेगा। अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आ जाएं, तो ए बी यानी ए और बी एंड गेट से पास हो रहे हैं, फिर ए सी ए और सी दोनों एंड गेट से पास हो रहे हैं और इन दोनों से जो आउटपुट मिलेगा गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, ये दोनों आर गेट से पास होंगे। तो वही वैल्यू जो हमने फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखी, ए को हमने 1 लिया, सी को भी 1 लिया और बी को 0 लिया, तो ए और बी 1 0 ये जब एंड गेट से पास हो रहे हैं तो इससे हमें आउटपुट 0 मिला। ए 1 है, सी 1 है, दोनों 1 1 जब एंड गेट से पास होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ये दोनों आउटपुट जो आ रहे हैं एज अ इनपुट गेट नंबर 3 को मिलेंगे, तो गेट नंबर 3 का एक इनपुट होगा 0 और दूसरा इनपुट होगा 1, तो 0 1 जब गेट नंबर 3 से पास होंगे तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट या जो रिज़ल्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए जो गेट पे हमने अप्लाई किया उससे जो रिज़ल्ट आया वो उस रिज़ल्ट सेम है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको हमने गेट्स की फॉर्म में लिख के बता दिया जी। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, इट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। द
नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रूल्स ऑफ बूलियन अलजबरा. वी हैव 12 टोटल रूल्स ऑफ बूलियन अलजबरा विच आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस टेबल. हर रूल को हमने इंडिविजुअली देखना है कि जो हम रूल यहाँ पर लिख रहे हैं, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए प्लस वन इक्वल टू वन, ए डॉट जीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये कैसे हम कह रहे हैं कि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए होना चाहिए, ए प्लस वन इक्वल टू वन होना चाहिए. तो जितने भी 12 रूल्स हैं इन सब को हमने इंडिविजुअली डिस्कस करना है. तो पहला रूल कहता है ए प्लस जीरो इक्वल टू ए. लेट सपोज किसी भी आर गेट से हम दो इनपुट आर गेट के कंसिडर कर रहे हैं. एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है फिक्स जो कि ज़ीरो है. ए की वैल्यू चेंज हो रही है, या तो ये वन है या तो ये ज़ीरो है. तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो आउटपुट पे हमें ज़ीरो मिलेगा क्योंकि दूसरा इनपुट ज़ीरो है. जो वैल्यू ए की है वही वैल्यू हमें आउटपुट पे मिल रही है. लेट सपोज अगर ए की वैल्यू वन है तो आउटपुट पे भी हमें वन ही मिलेगा क्योंकि आर गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक इनपुट भी वन हो तो आउटपुट वन आएगा. तो अगर आर गेट का एक इनपुट फिक्स है जो कि ज़ीरो है और दूसरा इनपुट वेरी कर रहा है, तो जो इनपुट वेरी कर रहा है उसी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे हमें मिलनी चाहिए. तो इट इज़ रूल नंबर वन. रूल नंबर टू हमें ये कहता है कि अगर आर गेट का एक इनपुट फिक्स हो और वो फिक्स इनपुट वन हो और दूसरा इनपुट ए हो जो कि वेरी कर रहा है, तो जो फिक्स इनपुट होगा जो कि वन है वही उसका आउटपुट होगा. अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तब भी आर गेट की वैल्यू वन आएगी, अगर ए की वैल्यू वन है तब भी आर गेट की वैल्यू या आउटपुट वन आएगा, इस वजह से कि उसका दूसरा जो इनपुट है वो वन है. रूल नंबर थ्री कहता है कि अगर एंड गेट का एक इनपुट ज़ीरो हो और वो ज़ीरो इनपुट फिक्स हो और दूसरा इनपुट वेरी कर रहा हो तो आउटपुट हमारा ज़ीरो ही आएगा क्योंकि एंड गेट का कोई इनपुट भी ज़ीरो हो तो आउटपुट पे ज़ीरो आएगा. तो क्योंकि ये इनपुट ज़ीरो है जो कि फिक्स है और ए वेरी कर रहा है, तो ए की जो भी वैल्यू होगी आउटपुट पर हमें ज़ीरो मिलेगा. तो रूल नंबर थ्री हमें ये कहता है कि इफ़ ए डॉट ज़ीरो या ए एंड ज़ीरो inputs are given to the AND gate, the output will be zero. Rule number 4 कहता है कि अगर AND gate को हम लें और उसका AND gate का जो एक input है वो fix हो और वो 1 हो और दूसरा input vary कर रहा है, अगर या तो वो 0 होगा या उसकी value 1 होगी, तो जो value A की होगी वो ही value output की होगी क्योंकि एक इनपुट उसका फिक्स है. तो अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो 1 का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, और अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो 0 1 का जो आउटपुट होगा एंड गेट से पास होने के बाद वो 0 होगा. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इफ़ वन इनपुट ऑफ द एंड गेट इज़ फिक्स्ड विच इज़ 1, द आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, दैट मे बी 0 और दैट मे बी 1. रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर दोनों इनपुट सेम हो और यही दोनों इनपुट आर गेट से पास हो रहे हों तो आउटपुट पे भी हमें वही इनपुट मिलेगा जो कि आउटपुट पे हमें वही मिलेगा जो कि वैल्यू होगी इनपुट की. तो अगर ए ए दोनों 0 0 हो तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा, ए की वैल्यू 1 हो तो 1 1 से हमें दोबारा 1 मिलेगा. तो ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए. रूल नंबर 6 ये कहता है कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आर गेट से पास हो रहे हैं तो आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए. तो अगर ए एक आर गेट है उसका एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट पे हमें 1 मिलना चाहिए. तो लेट सपोज अगर ए की वैल्यू है 0 पहले केस में और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा. अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 1 0 आर गेट से पास होकर दोबारा से 1 मिल रहे हैं. तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट अगर आर गेट से पास कर रहे हैं तो आउटपुट पे हमें 1 ही मिलेगा. रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर ए और ए दोनों को हम एंड गेट से पास करें तो आउटपुट पे हमें ए ही मिलना चाहिए. लेट सपोज ए की वैल्यू 0 है तो 0 0 अगर पास हो रहे हैं एंड गेट से तो आउटपुट हमें ए 0 ही मिलेगा. अगर 1 1
एंड गेट से पास हो रहा है तो आउटपुट पे हमें दोबारा से 1 ही मिलेगा, तो जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू आउटपुट की होगी। रूल नंबर 8 में ये हम दोबारा से एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट हमेशा से 0 आएगा। इस वजह से कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 1 0 अगर एंड गेट से पास हो रहे तो एक्स या आउटपुट 0 आएगा। अगर हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ए की वैल्यू 0 हो तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 आना चाहिए, 0 1 दोबारा से एंड गेट से पास हो रहा है तो आउटपुट या एक्स हमें 0 ही मिलेगा। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज़ रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 में हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल का 2 दफ़ा हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो वही वेरिएबल आएगा जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। तो लेट सपोज अगर ए की वैल्यू है 0 और इसका हम 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लें, तो एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उससे वैल्यू आएगी 1, 1 का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये वही वैल्यू है जो ए की वैल्यू आ रही है। लेट सपोज ए की वैल्यू 1 है तो पहली दफ़ा हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, अब दोबारा से 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। रूल नंबर 10 में हम ये कह रहे हैं कि इफ़ ए इज एडेड और सम विद ए बी द रिजल्ट विल बी ए। अगर ए और ए बी दोनों को और गेट से पास कर रहे हैं तो आउटपुट पे हमें ए ही मिलना चाहिए या आउटपुट ए के इक्वल आएगा। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, लेट सपोज इसी एक्सप्रेशन में ए को हम ए डॉट 1 से लिख सकते हैं, तो इस पे हम रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं कि ए इज इक्वल टू ए डॉट 1। रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो हमने इस एक्सप्रेशन में ए की जगह लिख लिया ए डॉट 1, तो अगर ए की जगह ए डॉट 1 लिखें तो दोनों का रिजल्ट सेम है। अब इन दो एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन में हमें 2 वो मिली, 1 और 2, इस 1 और 2 में ए हमने कॉमन लिया तो इससे हमारे पास आ गया 1a(1+b), a(1+b). अब 1+b इज इक्वल टू 1, दिस इज रूल नंबर 2। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो जो रूल था ये सेटिस्फाई हुआ कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। रूल नंबर 11 ये कहता है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी, इन दोनों को अगर हम और गेट से पास करें या ऐड करें तो इससे रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। इसको अब हम प्रूफ करेंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी, जो जो रूल नंबर 10 हमने डिस्कस किया कि ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया ए प्लस ए बी। अब दोबारा से ए को हमने लिख लिया ए डॉट ए, तो ए डॉट ए रूल नंबर 7 के ज़रिए ए ही आएगा, ए ए प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी हमने लिख लिया जी। अब एक ए ए प्लस ए बी, ये 2 एक्सप्रेशन आई, तीसरी एक्सप्रेशन हमने खुद से इंक्लूड की जो कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8 0 के इक्वल है, तो इसको अगर इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो दोबारा से हम अपनी प्रीवियस एक्सप्रेशन पर आ जाएंगे। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव ला या इसको फैक्टराइजिंग करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइजेशन के बाद जो हमें कॉमन मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये 1 के इक्वल है, इसकी जगह हमने 1 पुट किया तो हमें जो आंसर मिला वो ए प्लस बी मिला। तो रूल नंबर 11 ये कहता है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। रूल नंबर 12 ये कहता है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। इसको हमने प्रूफ करना है, तो हमने ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया ए प्लस सी से, जिससे हमारे पास 4 टर्म्स आई, ए डॉट ए, ए सी, ए बी एंड बी सी। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो इसकी जगह हमने ए लिख लिया, बाकी तीनों टर्म्स उसी तरह लिखी आई। अब ए और ए सी में से
वन प्लस ए को हमने कॉमन किया तो उससे लिखा आया वन प्लस सी, और ये दो टर्म्स उसी तरह लिखी गई ए बी और बी सी। दोबारा से वन प्लस सी को हम रूल नंबर टू के ज़रिए वन लिख रहे हैं तो ए डॉट वन लिख लेंगे और वो दो टर्म सेम आएंगी जो कि हैं ए बी प्लस बी सी। अब ए प्लस ए बी में से ए कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया, वन प्लस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, और बी सी इस तरह टर्म्स लिखी आ रही है। वन प्लस बी इक्वल टू वन है रूल नंबर टू के मुताबिक, तो इसकी जगह वन लिखेंगे, और लास्ट में हमें ए डॉट वन इक्वल टू ए मिलेगा और इसके साथ ऐड हो रहा है बी सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो दीज वर दी 12 रूल्स ऑफ बूलियन अलजबरा एंड 3 लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा, जिसमें के कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने डिस्कस की, और इसके साथ हमने 12 रूल्स और बूलियन अलजबरा डिस्कस किए कि किस तरह ये 12 रूल्स लिखे जाते हैं, इनको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी लॉज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजबरा पर।